हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम अपने कैट को नहलाएंगे दोस्तों, और गजब का आपको वीडियो बना करके देंगे। आज इतना अच्छा वीडियो बना करके देंगे, अगर आप कैट लवर हैं या डॉग लवर हैं या एनिमल्स लवर हैं तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये जो कैट आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन में, वो हमारा एक्सट्रीम पंच कैट है दोस्तों। इसको हम अभी आप लोगों को नहला करके दिखाएंगे, और आपको ये दिखा रहे हैं ग्रूमिंग वगैरह के बाद। ये हमारी और एक कैलिको है, ये अभी प्रेग्नेंट थी, बच्चे हुए हैं इनके। अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे रिजनेबल प्राइस में। तीन बच्चे कैलिको हैं दोस्तों, और एक बाय कलर में है और कहना चाहिए एक वाइट है, ठीक है। अच्छी खासी ब्लड लाइन है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे निकलेंगे इनके, क्योंकि मेल जो है एक्सट्रीम में है और फीमेल जो है वो सेमी पंच में है, ठीक है दोस्तों। और कैलिको अगर किसी के पास है तो फिर क्या ना क्या है, वो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना। मेंटेनेंस भी उसमें क्या है, जल्दी गंदे नहीं होते, तीन कलर होते तो वाइट कलर के बिल्लियाँ थोड़े से डल हो जाते हैं। लेकिन अब आपको हम बता दें कि हम सभी को ये वाला बेसिंग इसीलिए लगाए थे कि इसमें हाथ वाथ भी धोते बन जाएगा, जस्ट घर के मेन डोर के जस्ट बाहर में है, और यही सोच करके लगाए थे कि हम इसमें बिल्ली नहलाएंगे। बच्चों को अक्सर नहलाते हैं इसमें, लेकिन अब ये बिल्ली बड़ा हो गया है, मेल है बड़ा वाला, तो यहाँ पे आया नहीं, तो अब वहाँ पर हम भिगा उगा करके यहाँ पे ला करके हमारे टंकी के पास, जबकि हम टंकी का पानी पूरा और उसी दिन रिसाइकल किए हुए थे, ताज़ा पानी नया भरे हुए थे, क्योंकि देखिए बिल्लियों को अक्सर ठंड लगती है, तो ठंडे पानी में बिल्कुल आप उनको ना नहलाएं। अगर आपके पास ताज़ा पानी अवेलेबल नहीं है बोर का तुरंत, तो आप क्या है थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी कर लें और उसमें मिला लें। और बच्चों को जैसे नहलाते हैं तो अपने एड़ी सॉरी मतलब एल्बो को जो अपन टच करते हैं, पंजे हाथ का जो एल्बो होता है उसको आप टच करके देख लें, अगर आपको वहाँ पे गर्म ना लगे जैसे छोटे बच्चों को, तब फिर आप उसको नहलाएं। बट मैं तो ताज़ा पानी में नहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर आप कितने भी साफ़ सफाई कर लें क्यों ना, तो उनके जो हैं बाल से शैम्पू निकलते नहीं हैं, और बाल से अगर शैम्पू निकलेंगे नहीं तो फिर फंगस वाली प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे नहलाने के लिए या तो बिल्ली आपको शुरू से रखना पड़ेगा, एकदम एक बैग आप इस टाइप का नहीं ले सकते, सॉरी इस टाइप का आप नहला नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि अगर आपको ध्यान है कि आप कहाँ से कैट ले रहे हैं बोल करके, अगर आपको पता है कि ये कैट नहलाने में ज़्यादा नाटक नहीं करता है तो आप नहलाइए, अन्यथा ऐसे बड़े कैट को, आप बाहरी कैट को ऐसे नहलाने का बिल्कुल प्रयास ना करें, क्योंकि ये एक ट्रेंड जो मतलब ट्रेंड कैट हैं उनको आप ऐसे नहला सकते हैं। देखिए बिल्ली कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल मस्त एकदम बैठी है ना, तो बिल्ली के नाखून बहुत तेज़ होते हैं दोस्तों, और ये कोशिश करता है ऐसे फ्रंट टाइप में, जैसे मैंने इसको रखा है, तो इस टाइप का करने के बाद ये फ्रंट में पंजे मार के आपके घुटने में जो पैंट वेंट पहने हैं तो वहाँ से फिर सीधे जंप करती है ऊपर की ओर। ये देखिए जैसे उड़ गया, तो वैसा ही अगर आपको शुरू से ट्रेन करना है तो शुरू से बिल्ली अगर आपको पहचानता है, आपके पेट से अगर आपको पहचानते हैं, तो फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेल कैट को नहलाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, तो मेल कैट को अगर आप इस टाइप का नहलाने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा रिक्सी हो सकता है अपने ही कैट को, जो बिल्कुल आप जिनके साथ खेलते हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका हैंटेन होने के साथ साथ में आपको उसके साथ में टेक्निकल बिहेवियर देना होगा, जैसे कि बिल्ली जब उठने की कोशिश करे तो हल्का सा उसको पुश करना है, क्योंकि सभी बिल्लियां जो हैं पानी देख करके डर जाती हैं। आपको उसको ये टेकल करना होगा कि जब वो बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है तो आपको थोड़ा फ्री छोड़ना है, और जब थोड़ा कम ताकत है तो फिर थोड़ा सा पुश करना है। उसको भी लगना चाहिए कि हाँ वाकई में इस टाइप का कुछ हो रहा है। और नहलाने के दौरान अगर आपको इस टाइप का गठान वगैरह मिले थोड़ा सा ज़्यादा, जो कि लगे कि उलझन बहुत ज़्यादा हो गया है बोल करके, तो आप उनको कैंची से काट सकते हैं। और नहलाने के दौरान आपको अक्सर ये देखना होगा कि ज़्यादा जहाँ पे बाल हैं वहाँ पर काटिए, जहाँ एकदम से लट हो गया नहीं छूटेगा बोल करके, नहीं तो फिर आप आराम से उसको फुर्सत भी काट सकते हैं। इसको नहलाने के लिए जो हमने शैम्पू का इस्तेमाल किया है वो है, कहना चाहिए कि एक कंडीशनर शैम्पू है। कंडीशनर शैम्पू से पहले नहलाने के बाद आपको माइकोडीन करके आता है, माइकोडीन ही यूज़ करना है, उससे पूरे फंगस भी चले जाते हैं। अगर आपके कैट में फंगस है तो बता रहा हूँ, उससे फंगस भी चले जाते हैं, ना तो फंगस जो है नॉर्मली इरीना ईपी और भी डॉग और कैट के जो शैम्पू आते हैं उसमें नहीं जाता है दोस्तों। सबसे बेस्ट शैम्पू है ये वाला, ठीक है, माइकोडीन।
सबसे बेस्ट शैम्पू है माइकोडिन। अगर आप माइकोडिन से नहलाते हैं तो पाएंगे कि बाल आपके बिल्ली के आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और बहुत अच्छे से वो चलेंगे बहुत लंबे समय तक। कंघी उंघी करने से भी आपका बाल जो है छूट जाएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं बिल्लियों को नहलाने का एक्चुअल में सही समय क्या है। आप अगर बिल्लियों को शाम को नहलाते हैं तो बिल्कुल गलत है वो, और एकदम सवेरे नहलाते हैं तो भी गलत है। बिल्ली लोगों को सबसे बढ़िया नहलाने का जो टाइम है दोस्तों वो होता है आपका 11 बजे आसपास, क्योंकि 11 से 2 का जो धूप होता है वो थोड़ा सा बॉडी में लगे, क्योंकि बिल्ली लोग एक बार भीग जाते हैं स्किन गीला हो जाता है, तो आप कितने भी हेयर ड्रायर क्यों ना मार लें थोड़ा धूप में बैठना वो लोग पसंद करते हैं। अगर धूप ना निकला हो तो आज ना नहलाएं दूसरे दिन नहलाएं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि फंगल इन्फेक्शन लग रहा है तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, उस फंगल ये देखिए ये वाला माइकोडिन शैम्पू है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन दिखता है तो उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, कोई ज़्यादा मेडिसिन वेडिसिन का तामझाम करने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, उस जगह को थोड़ा सा ट्रिम कर लें। और अपने घर के नारियल तेल में या तो फिर वर्जिन का आप नारियल तेल ले सकते हैं अमेज़ॉन से, जो कि मैंने मंगा रखा है, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, ठीक है, उसमें कपूर मिला करके उसको अच्छे से पीस कर कपूर को पीस करके मिला दीजिए। जब वो पूरा मिक्स हो जाए तो नारियल तेल और कपूर ही लगाएं। अगर आपको डाउटफुल होता है या पूरे कैट पे आपको फंगस लगता है तो आप पूरे कैट को पहले ट्रिम कर लें, कैट को ट्रिम करने के बाद बढ़िया से नारियल तेल और कपूर लगा दें, उससे बिल्ली को भी कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों और कोई दिक्कत नहीं होता है, जितने मैल वगैरह हैं फूल जाएंगे। आप कंटिन्यू 2 दिन तक आप उसको ये लगाने, पहले तो आपको ट्रिम करना है, ट्रिम करने के बाद आपको उसको अच्छे से पूरा नहला देना है, उसको हल्का हल्का कहना चाहिए बाल वाल में पूरा लग जाए स्किन उस्किन में, जैसे हम लोग सिर में लगाते हैं उस टाइप का, उसके बाद आपको किसी केज वेज में रख दीजिएगा। बिल्ली आपको 2-3 दिन के अंदर थोड़ी सी गंदी दिखेगी, क्योंकि जब तेल लगा रहता है तो स्किन में बहुत जल्दी गंदगी चिपक जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, उसको तीसरे दिन जब आप नहलाएंगे तो पाएंगे कि आपका जो पुराना जो बाल जो जहाँ से उड़ गया था या तो फिर और भी कुछ फंगस वगैरह जो थे वो भी साफ़ हो गए हैं बहुत अच्छे से। और अब आप उसको क्या कीजिए, कुछ मत लगाइए, बढ़िया उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि इस टाइप का, तो फिर इनका टर्मरिक पाउडर भी आता है, बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, वो अलग कैटेगरी उसमें बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि नहलाने के बाद जिस हिसाब से आपको दिखाया नहलाने के बाद ये फार्मोनिया का कंघी है, हमारे पास 3-4 प्रकार के कंघी हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें ये ट्रिम करने के लिए बढ़िया है, ये वाला कंघी जूहा निकालने के लिए बढ़िया है, ये वाला कंघी खाली समय में जैसे लंबे लंबे बाल हैं उस समय में करने के लिए, तो डीप क्लीन होता है, इससे अंदर से लेकर के आता है पूरा सा। ये वाला बड़ा लोहे का कंघी है, और ये जो आप देख रहे हैं एक हैंडल वाला, वो सीधा वाला एक कंघी है और एक हैंडल वाला कंघी है जो कि पीछे तक खींचता है, जैसे कि अभी हम जिससे कर रहे हैं सीधा कंघी है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। कंघी करने का मतलब क्या है, कंघी करने का मतलब यह है दोस्तों, नहलाने के बाद अगर आप तुरंत कंघी करके इनके उलझनों को नहीं सुलझाएंगे तो यह सूखने के बाद एक बड़ा सा गुच्छा बन जाता है। तो इसमें करना क्या है, आपको पूरा नहीं सुलझाना है, खाली ऊपर ऊपर हल्का हल्का दिखाना है, ताकि जब आप अभी हेयर ड्रायर चलाएंगे तो हेयर ड्रायर चलाएं तो उसके अंदर में पूरा हवा घुस जाए। अब गठान रहेगा तो उसके अंदर में घुसेगा नहीं। अब कंघी करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गठान बड़ा है कौन सा गठान छोटा है। बड़ा गठान है तो आप उसको डायरेक्ट नीचे से मत काटिए, क्योंकि अगर आपको बिल्ली को पूरा ट्रिम नहीं करना है और आप एक जगह से बिल्ली के बाल काट देंगे तो खराब दिखेगा। आपको क्या करना है, उस गठान को पकड़ लेना है, गठान को पकड़ करके उसके बीचों बीच आप कैंची चला दीजिए, तो गठान 2 भागों में बट गया तो जो बड़ा गठान था वो छोटा हो गया। 2-3 बार ऐसे बीचों बीच चला दीजिए, उसके बाद फिर आप जब कंघी करेंगे तो फिर निकल जाएगा। ये हम एकदम सस्ता वाला 250-350 वाला हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी लोग बिल्ली जो लोग रखे हैं वो करीबन 8-9 हज़ार रुपये का भी हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है, अब जो हेयर ड्रायर हम घर पे यूज़ करते हैं वो हेयर ड्रायर इनको देंगे तो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा अलग ही रखते हैं, इनका सामान अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार देखा गया है पेट्स वाले वुमेंस में मिलाने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप भी चाहें तो 300 रुपये में इसका ले सकते हैं, 300-350 रुपये अमेज़ॉन में बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी देख करके लीजिएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी देख करके लेंगे तो आने वाले समय में आपको लंबा चलेगा। जैसे कि ये जो हेयर ड्रायर आप देख रहे हैं, मेरे को करीबन 4 साल प्लस हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। देखिए ये धीरे धीरे चलता है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे चलने से क्या हुआ, काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। महंगे अगर आप लेते हैं तो महंगे में भी अगर आपका काम ऐसा ही है, रिज़ल्ट वैसे ही निकलना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। हेयर ड्रायर को एक बैग नहीं मारना है, क्योंकि जो हीटर जो होता है ना वो गर्म होकर के गर्म हवा फेंकता है, तो गर्म हवा फेंकने के बाद क्या करता है कि
कहना चाहिए स्किन जला देता है। तो आपको एक साइड से मारते हुए पीछे से लेकर के जाना है, आगे से कान के पास बाल कम है बिल्कुल, कान और नाक में बहुत कम चलाना है, ऐसा टाइप का चलाना है कि कम से कम आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। गरम ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो बाल वाले जगह में आपको हल्का सा मार करके छोड़ना है, थोड़ी देर बाद फिर हल्का सा मारना है, टॉवल से अच्छे से पोंछ लेना है और थोड़ी देर के लिए आपको आपके कैट को छोड़ देना है। आधे घंटे में ऐसा करके 2-3 बार आप मार दें तो फिर आपका बिल्ली जो है देखने लायक हो जाएगा, जो कि फ्रंट में आपने फ़ोटो देखा वो नहलाने के बाद का था और बहुत अच्छा था वो, तो वैसा पूरा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको हम कंघी दिखा रहे हैं ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम चला रहे हैं कि देखो ये ऐसे करके ऐसा होता है बोल करके, एक्चुअल में जो रियल कंघी है उसका वो खींचने वाला है जहाँ पर लट है वो क्या है, करते करते प्रयास होता है ऐसे तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि जब तक गीला है बाल तब तक वो छूटेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे वो सूखते जाएगा वैसे वैसे वो छूटते जाएगा, मतलब आपको एक बार चलाना है, एक बार हेयर ड्रायर करना है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा समझना है, फिर थोड़ा हेयर ड्रायर चलाना है, एक समय के बाद आप देखेंगे कि उलझने सारी हट गई हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको ज़रूर ये चीज़ देख लीजिए आप, कई लोग क्या करते हैं खूंखार बिल्ली टाइप की रहती है, तो खूंखार बिल्लियों का अलग ऑप्शन है दोस्तों, उनके गले का पट्टे आता है जिसमें कान के अंदर, क्योंकि देखिए बिल्ली अगर आप नहला रहे हैं या कुत्ता नहला रहे हैं तो गौर ये कीजिएगा कि उनके कान में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके कान की बनावट कुछ इस टाइप की रहती है कि डायरेक्ट कान के अंदर पानी चला जाता है, उसके बाद आप उल्टा करेंगे निकालने का बहुत प्रयास करेंगे, कितना भी साफ करेंगे तो वो नहीं होता है दोस्तों साफ, क्योंकि अब वहाँ पे वो पकेगा, पकने के बाद फिर वो बदबू आएगा, बहुत प्रकार का आपको टेंशन आएगा। तो ध्यान ये रखें कि बिल्ली अगर आपको साधारणतः अच्छे से नहा रही है तभी आप उसको नहलाएं, नहीं तो फिर इनका एक कॉलर आता है, कॉलर बोलने से मिल जाता है, कैट कॉलर दें बोलने से मिल जाएगा, डॉग कॉलर दें बोलने से मिल जाएगा। कॉलर क्या है, ऐसे करके पूरा फेस को सामने से लेकर के ढका हुआ होता है, वो पीछे देख भी नहीं पाता है बिल्ली, ठीक है। और उसको आप यूज़ करें और लगाएं, देखिए यहाँ पर कैसे अब जैसे जैसे सूखते जा रहा है तो अब उसका जो लट जो है, अब अगर हम कंघी कर रहे हैं तो क्या है ना, बिल्ली मेरी बिल्ली ऐसे तो बिल्कुल नहीं करती, जब हम कंघी करते हैं तो उल्टा लेट जाती है। मेन क्या है, ये बहुत समय से इरिटेट हो गया है, ठीक है, बहुत समय से इरिटेट हो गया है, अब इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी सूखता तो कहीं बैठ जाता आराम से, लेकिन अब ऐसे स्थिति में ज़्यादा कंघी भी नहीं करने का, ज़्यादा कंघी करने से हम तो सिर्फ उसके बाल को ऐसा देख रहे हैं कि कहाँ पे गीला है उस जगह पे जगह बना रहे हैं ताकि हवा घुस करके सफाई हो जाए, बाकी का तो हम कर ही लेंगे। इनके बहुत सारे कंडीशनर वगैरह और भी कुछ कुछ आते हैं दोस्तों, तो ऐसा देखिए कम से कम 75% बिल्ली सूख चुका है। अब हम इसको अगर छोड़ भी देते हैं तो थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे इसको कि कहीं से कोई ज़्यादा गीला तो नहीं है, क्योंकि जब तक बिल्ली जो है ये ज़्यादा उछल कूद करती नहीं है, पर्शियन कैट एकदम शांत रहती है, अगर आप नहला दे रहे हैं तो एक जगह में जाकर के बैठ जाएगा, तो उससे क्या है कि एक जगह में बैठेगा तो फिर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि बिल्ली को या तो सर्दी लग गया है या तो फिर इन्फेक्शन हो गया है या बिल्ली खाना नहीं खा रहा है, बहुत टाइप के, क्योंकि बिल्लियों को जैसे ही आप नहला देते हो तो नहलाने के बाद उनका जो है व्यवहार में 100% परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए जब भी आप नहला रहे हैं तो धूप जरूर हो, हेयर ड्रायर मारना बहुत ज़रूरी है, आप लगाएं ना लगाएं बिल्ली को लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आपने बिल्ली पाला है तो ये तो क्लियर बात है, कुत्ता नहीं है कि झाड़ दिया बगल में रह गया और ये ठीक हो जाएगा, कुत्ते में है सिडजू, अगर आप सिडजू रखते हैं या लॉन्ग हेयर वाले जो एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर वाले आप कुत्ते रखते हैं तो उनके लिए भी आपको ये करना पड़ेगा, अन्यथा वो अजीब टाइप के दिखते हैं एकदम, वो क्वालिटी नहीं रहता है, ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो। और ये क्या है, ट्रिपल कोट हेयर है इसका, बहुत अच्छा फर क्वालिटी है, साइज़ भी लंबे लंबे हैं, एक्सट्रीम भी है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही जतन की ज़रूरत है, क्योंकि डॉल फेस लोगों के जैसे ये लोग फुर्तीले नहीं होते हैं, ये लोग बहुत ही कहने से थोड़ा सा एक्सट्रीम लोग आलसी होते हैं, इनके नखरे बहुत होते हैं और सेमी पंच लोग बीच के ही होते हैं, जैसे कि डॉल और एक्सट्रीम का मिलकर सेमी पंच बना था, अब तो सेमी पंच की एक अलग ब्रीड हो गई है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर ब्रीड अगर बोला जाए तो फिर वो डॉल फेस होता है, क्योंकि डॉल फेस को नहलाने के लिए थोड़ा सा और इससे ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन